अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो हमारा रिसर्च मेथड का लास्ट लेक्चर होगा। पहले दो लेक्चर्स में हमने पहले लेक्चर में हमने रिसर्च मेथड के कुछ बेसिक स्टेप्स को देखा था। दूसरे लेक्चर में हमने रिसर्च की टाइप्स को हमने डिस्कस किया था, और आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। रिसर्च डिज़ाइंस की तरफ हम आ चुके थे, हमने डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में देखा था, ऑब्जर्वेशंस की बात की थी, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च की बात की थी, ऑब्जर्वेशंस की टाइप्स को हमने देखा था, और हमने कोरिलेशन पे बात की थी। आज हम अपनी बात शुरू करेंगे सर्वे से। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्वे का आपने वर्ड फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हुए देखा होगा। अक्सर आपके पास लोग आते हैं कि जी हम सर्वे कर रहे हैं, आप हमारे कुछ सवालों का जवाब दे दें। तो आपने भी बहुत से सर्वेज में एज ए पार्टिसिपेंट हिस्सा लिया होगा। सर्वे जो है ये मशहूर मेथड है, इजी भी है। इससे ये होता है कि आप एक डायरेक्ट उस पार्टिसिपेंट तक अप्रोच कर रहे हैं और आप उसके जो तासुरात हैं वो डायरेक्टली आप जान रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि डिफरेंट किस्म के जो मेथड्स होते हैं उसमें आप के सामने पार्टिसिपेंट नहीं होता, तो आपको ठीक से समझ नहीं आती उसके आंसर्स की, और आपकी जो रिसर्च है वो बाइस्ड भी हो सकती है। क्योंकि आप अगर रियलिटी को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, आपको या तो जानबूझ के इग्नोर कर देंगे या आपको उसकी समझ नहीं लगेगी, तो आपकी रिसर्च जो है वो बाइस्ड हो जाएगी। तो जो सर्वे मेथड है इसमें क्या होता है, सर्वेज कंसिस्ट ऑफ प्रेजेंटिंग अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स टू द पार्टिसिपेंट्स एंड आस्किंग देम टू रिस्पॉन्ड। वही जो बात पहले की कि इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि रिस्पोंडेंट से पूछे जाते हैं। सर्वेज आर यूज्ड व्हेन क्विक इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इन लिमिटेड टाइम, दैट इज ओपिनियन पोल्स, प्रोडक्ट प्रेफरेंस। कि सर्वे मेथड जो है वो टाइम बचाने के लिए भी यूज़ होता है, कि आप एक पोल ओपन कर देते हैं कि आप बस दो तीन ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप जवाब देते जाएं बस, या किसी प्रोडक्ट के बारे में आप पूछना चाहते हैं कि अच्छी है या बुरी, या इसको रेट करें, तो आपने उसकी रेटिंग के लिए 5 नंबर दे दिए होते हैं और लोगों से आप पूछते जाते हैं और आपको एक बेहतर व्यू लोगों का बहुत कम टाइम में हासिल हो जाता है। ऑल्सो यूजफुल व्हेन इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दैट इज़ पॉपुलेशन सेंसस। जब आपके पास पॉपुलेशन बहुत लार्ज हो तो आप सर्वे को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मर्दमशुमारी में होता है, वो भी एक तरह का सर्वे होता है कि आप के जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स होते हैं वो घर घर जाकर कुछ मखसूस बातें आपसे पूछ लेते हैं और आपका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड हो जाता है थोड़े से वक्त में। और इस तरह से बहुत से ऑफिशल्स जो हैं वो बहुत से मुख्तलिफ इलाकों में ये काम कर सरंजाम दे रहे होते हैं। अब आप खुद देखें कि 22 करोड़ की आबादी है लेकिन महीने डेढ़ महीने में सर्वे मुकम्मल हो रहा है, तो ये इसी वजह से हो रहा है कि बहुत से लोग एट अ टाइम ये काम कर रहे हैं और बहुत क्विकली काम कर रहे हैं। अच्छा जी, सर्वे में भी डाटा जो आप यूज़ करते हैं लेते हैं तो उसके भी कुछ सोर्सेज होते हैं कि किसके ज़रिए से आप
डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। पहला है जी क्वेश्चनेयर, कि आप एक क्वेश्चनेयर बना के आप लोगों को दे सकते हैं कि जी इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे दें। दूसरा है इंटरव्यू, कि आप फेस टू फेस वर्बली आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसे आप नोट कर लेते हैं या रिकॉर्ड कर लेते हैं। थर्ड है जी न्यूज़पेपर सर्वेस। न्यूज़पेपर सर्वेस आजकल आप ईमेल सर्वेस समझ लें, आप अक्सर कोई वेबसाइट खोलते हैं तो सबसे पहले जी एक वो कहते हैं जी आप हमारे सर्वे में हिस्सा लें। तो न्यूज़पेपर सर्वे की आज जो नई शक्ल है वो इंटरनेट सर्वे से तब्दील हो चुकी है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं। आगे हम फिर स्टेप्स पे आ जाते हैं कि रिसर्च में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले हमने एक बेसिक आइडिया लिया था, क्योंकि अब मैं आपको डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस बता चुका हूँ, स्टेप्स रिसर्च डिज़ाइंस डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब आपको दोबारा रिसर्च के जो स्टेप्स हैं वो बेहतर तरीके से समझ आएंगे। सबसे पहला है जी कंसीविंग द प्रॉब्लम, कि आप जिस प्रॉब्लम पे डिस्कस करना चाहते हैं, जिसका जवाब लेना चाहते हैं, आप उस पे फोकस करते हैं कि मैंने जी इसका जवाब लोगों से लेना है कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले आप का फोकस जो होता है वो एक एरिया की तरफ होता है, किसी एक प्रॉब्लम की तरफ होता है। आप एक क्वेश्चनेयर बना लेते हैं। दूसरे स्टेप में है जी डिज़ाइनिंग एंड इंस्ट्रूमेंट, कि आपने एक प्रॉब्लम सिलेक्ट कर लिया, एक आपने स्टेटमेंट बना ली, अपना माइंड क्लियर कर लिया कि मैंने इसी के मुतालिक लोगों से पूछना है। फिर आप दूसरा जो है वो रिसर्च डिज़ाइन को सिलेक्ट करते हैं और इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट में वही चीज़ आ जाती है कि आपने आया इंटरव्यू करना है, या आपने रिटन क्वेश्चनेयर लोगों को पकड़ा देना है, या आपने सर्वे करना है वर्बली। तो ये रिसर्च डिज़ाइन और इंस्ट्रूमेंट आप फिर सिलेक्ट करते हैं। थर्ड सैम्पलिंग एंड पॉपुलेशन। थर्ड आप इस चीज़ पे जाते हैं कि आपने पॉपुलेशन कौन सी सिलेक्ट करनी है अपना डाटा कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपने अपना जो है टॉपिक भी सिलेक्ट कर लिया है, आपने ये भी चीज़ देख ली है कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने हैं। फिर थर्ड आ जाता है जी आपने पॉपुलेशन कौन सी चूज़ करनी है, और मज़ीद ये कि पॉपुलेशन में आपके सैंपल कितने होंगे, क्योंकि एक पूरी पॉपुलेशन से आप डाटा इकट्ठा करने लग जाएं। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान में मुस्लिम्स पे रिसर्च करना चाहते हैं, तो मुस्लिम्स तो बहुत हैं, तो आप पूरी पॉपुलेशन को तो कंसीडर नहीं कर सकते। तो फिर आप यहाँ पे सैंपल की तरफ जाएंगे, कि आप एक मखसूस सैंपल ले लेंगे और उस सैंपल को लेने के बाद आप उसको जनरलाइज कर देंगे पूरी पॉपुलेशन पे। लेकिन इसके बरक्स आपकी पॉपुलेशन अगर छोटी है, मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान में सिखों पर या हिंदुओं पर रिसर्च कर रहे हैं कोई, तो फिर आपको जो भी हिंदू मिलेगा, जो भी सिख मिलेगा, या आप सर्वे अगर कर रहे हैं तो आप फर्दर उनके घर जाकर उनसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। आपको महीना डेढ़ महीना लगेगा, आपका काम हो सकता है। अमूमन होता ऐसा ही है कि सिख कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी वो एक ही मोहल्ले में भी रहती होती है, वो स्कैटर्ड नहीं होते, वो एक ही मोहल्ले में इसलिए रहते हैं ताकि मुश्किल वक्त अगर कोई आ जाए माइनॉरिटी पे तो वो मिलकर मुकाबला कर सकें। इस वजह से स्कैटर्ड वो नहीं रहते होते ज़्यादातर, तो इस वजह से आपके लिए ये भी आसानी हो जाती है कि आप उनके मोहल्ले में जाके आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। आपको बेशक महीना लग जाए, डेढ़ महीना लग जाए, लेकिन आप पूरी पॉपुलेशन को कंसीडर कर लेते हैं। तो ये चीज़ फिर देखी जाती है कि आपने पॉपुलेशन कौन सी सिलेक्ट की हुई है, पॉपुलेशन में से आपने सैंपल कितना लेना है,
या आपने पूरी पॉपुलेशन को ही कंसीडर करना है। उसके बाद मिसाल के तौर पर आपने अपना तरीका अडॉप्ट किया इंटरव्यूज़ का, क्या आपने इंटरव्यू के ज़रिए अपना डाटा कलेक्ट करना है, और आपने सिख कम्युनिटी को अपनी पॉपुलेशन कंसीडर कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, तो अब आप जाएंगे जी लाहौर, क्योंकि ज़्यादा सिख वहीं पर होते हैं, तो आप वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन में जाके फर्दर इंटरव्यू करना शुरू कर देंगे और अपना डाटा कलेक्ट कर लेंगे। फिर आखिरी स्टेज जो आती है वो है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, कि आपने डाटा कलेक्ट करने के बाद अपने रिजल्ट्स को मेजर किया, एनालाइज किया, और आपने अपने रिजल्ट को कोरिलेट किया अपने पहले वाले हाइपोथेसिस से या उस प्रॉब्लम से जो आपने रिसर्च शुरू करने से पहले उठाया था मसला, या एक हाइपोथेसिस बनाया था, तो फिर आप एंड में एक रिजल्ट्स देंगे उस डाटा को एनालाइज करके कि हमने इस चीज़ पे रिसर्च की, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट था, ये हमारा रिसर्च डिज़ाइन था, ये हमारा डाटा था, और उस डाटा का रिज़ल्ट हमने ये निकाला। तो इस तरीके से पूरी की पूरी एक रिसर्च होती है, और तकरीबन सेम ही होती है हर सब्जेक्ट में। आगे कुछ रिसर्च मेथड्स और भी हैं, उनको हम देख लेते हैं। कंटेंट एनालिसिस कहाँ पर काम आता है? मिसाल के तौर पर कोई वीडियो है या कोई बुक है, आप उस पर रिसर्च करते हैं कि इस बुक में ये बात लिखी हुई है और वो प्रूव हुई हुई है या नहीं हुई हुई बुक में, उसके मुतालिक लॉजिकल जो आर्गुमेंट्स हैं वो प्रोवाइड किए हुए हैं या नहीं किए हुए, तो आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं, उसको कंटेंट एनालिसिस कहेंगे। किसी वीडियो पे रिसर्च हो सकती है, उसे भी कंटेंट एनालिसिस कहेंगे। अच्छा जी, जो कंटेंट एनालिसिस है वो ह्यूमन बिहेवियर को कवर कर सकता है, बुक्स को कर सकता है, जर्नल्स को कर सकता है, मैगजीन्स को कर सकता है, पोइट्री को करता है, ड्रामा, मूवीज़, फोक टेल्स, टीवी प्रोग्राम्स, स्कूल टेक्स्ट बुक्स एंड करिकुलम एंड एडवर्टाइजमेंट्स। वही बात जो मैंने आपको शुरू में बताई है कि कंटेंट एनालिसिस किस किस चीज़ में हो सकता है, तो इन सब चीज़ों पे कंटेंट एनालिसिस हो सकता है कि हम एक ही चीज़ को चूज़ करते हैं और उस पर एक डिटेल अपना जो है रिसर्च करते हैं और उसका रिज़ल्ट देते हैं। कंटेंट एनालिसिस के कुछ गोल्स होते हैं कि हमने कंटेंट एनालिसिस करते हुए पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मैयर करने होते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स में क्लियर होना होता है कि ये मकसद है, इस मकसद के लिए हम इस कंटेंट का एनालिसिस कर रहे हैं, हमने इस कंटेंट में से ये बात चेक करनी है। मिसाल के तौर पर हमने देखना है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स में से लॉजिकल ज़्यादा कौन है, हम उसके लिए कंटेंट एनालिसिस करते हैं, हम कुछ वीडियोस एक लीडर की निकाल लेते हैं, कुछ वीडियोस दूसरे लीडर की निकाल लेते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर हम एक रिज़ल्ट देते हैं कि जी लीडर ए जो है वो ज़्यादा लॉजिकल है और इसने जो वादे किए थे वो उसने पूरे किए हैं और या उन पे आज भी कायम है या कोशिश कर रहा है, और दूसरा जो लीडर है उसने ज़्यादा हवाई बातें की थी, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए की थी, उसने इस दौर में ये पावर में आया, इसने बात ये की थी लेकिन उसके बरक्स काम किया, तो यानी कि ये कि हम पूरी एक रिपोर्ट बनाते हैं एंड में, एक कंटेंट का एनालिसिस करते हैं। अच्छा जी, रिसर्च में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका हमने बहुत
जिक्र किया वो था वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स कितनी किस्म के होते हैं? वेरिएबल वो चीज़ होती है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से हम किसी चीज़ पर असर डाल सकते हैं, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल दो किस्म के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिस पे किसी चीज़ का कोई असर ना हो और वो खुद से काम कर रहा हो। कोई दूसरा वेरिएबल अगर आ भी जाए तो उसको फ़र्क ना पड़ता हो, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल उसको कहते हैं जो किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट हो। अगर दूसरा वेरिएबल वीक होगा तो वो भी वीक हो जाता है, अगर वो स्ट्रांग होता तो वो भी स्ट्रांग हो जाता है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि एक वेरिएबल है कि टीचर जितना अच्छा पढ़ाएगा उतना अच्छा स्टूडेंट सीखेगा। तो ये दो वेरिएबल्स हैं, आपस में डिपेंडेंट हैं। पहला वेरिएबल दूसरा वेरिएबल पहले वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। अगर पहला ज़्यादा होगा तो दूसरा भी ज़्यादा हो जाएगा, पहले की इंटेंसिटी कम होगी दूसरे की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो हमारी जो रिसर्च थी, रिसर्च का जो लेक्चर था वो यहाँ पर एंड होता है। बिल्कुल बेसिक बेसिक हमने इसमें चीज़ें देखी हैं। आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पहले तो नोट्स देखें, नोट्स में देखने के बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता तो फिर आप मुझसे पूछें, मैं आपको दोबारा से समझा दूँगा। तो रिसर्च के हमने तीन क्लासेस लीं, तो आज तीसरी क्लास थी। तो रिसर्च यहाँ पर हमारा जो रिसर्च का चैप्टर है वो एंड होता है। थैंक यू।